गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम टू द हितेश्वर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। आज डेट क्या है? 15 जुलाई। क्या डेट है आज? 15 जुलाई 2020। और आज डे क्या है? वेनसडे। कौन सा डे आज? वेनसडे, WEDNESDAY। क्या है वेनसडे की स्पेलिंग? क्या वेनसडे की स्पेलिंग? WEDNESDAY। वेनसडे को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? बुधवार। क्या बोलते हैं वेनसडे को हिंदी में? बुधवार। तो इससे पहले की जो क्लासेस थी अपन ने उनमें पढ़ा स्वर व्यंजन वर्णमाला, और अपन ने पढ़े थे 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द। ये अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा। आज अपन आ की मात्रा पढ़ेंगे। देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की क्या होती है? मात्रा होती है। देखो ये क्या है? आ। क्या है? आ। इस आ की मात्रा कौन सी होगी? ये क्या होगी? ये आ की मात्रा होगी। ये होगी आ की मात्रा। अब देखो, अ की तो कोई मात्रा ही नहीं है, तो बस यही अपन आज पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? आ की मात्रा के, चलो आ की मात्रा, सिर्फ इतना ही एडिंग आया था पर। क्या आएगी? आ की मात्रा। देखो आ की मात्रा कैसे होगी? ये क्या है? क। क्या है ये? क। अब अगर अपन क के पीछे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? देखो ये क है और ये है आ की मात्रा। क्या है? आ की मात्रा। अब देखो इस क के पीछे आ की मात्रा को अपन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? का। क्या होगा? का। देखो ये क है, इसके पीछे अपन आ लिख देते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं। तो अब देखो अपन इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़े? क आ का। क्या पढ़ेगा? क आ का, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो वैसे ही अपन पूरा अ ना लिख के सिर्फ क्या करेंगे? अ की मात्रा, आ की मात्रा लेंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? आ की मात्रा लिखा। अब आ की मात्रा को क के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? का। क्या होगा? का। वैसे देखो हम ख के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? खा। क्या हो जाएगा? खा। उसके बाद देखो क्या होगा? ग। ये क्या है? ग। अब ग के पीछे मैंने आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? बोलो मेरे साथ, क्या हो गया? गा। क्या होगा? गा। उसके बाद देखो घ। अगर ग के पीछे मैं आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा? जैसे ग के पीछे लगे का, ख के पीछे लगे खा, ग के पीछे लगे गा, वैसे ही घ के पीछे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ये घा। क्या हो जाएगा? घा। उसके बाद क्या होता है? ग से घड़ी के बाद क्या होता है? डस। ड खाली। तो अब ड के पीछे मैं आ की मात्रा लगाऊं तो क्या हो जाएगा? डा। देखो क्या हो गया? डा। फिर देखो च के पीछे ड से क ख ग ड, ड के बाद क्या आता है? च ही आता है। फिर देखो च से स्टार्ट करते हैं, च के पीछे अगर मैं आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? चा। क्या हो जाएगा? चा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? चा। फिर छ। छ के पीछे अगर मैं आठ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? छा। ये छ से छाता है। छ के पीछे मैंने आठ की मात्रा लगी तो ये क्या हो गया? छा। क्या हो गया? छा। फिर देखो ये क्या है? ज से जहाज। ज से जहाज के पीछे, ज से जहाज को अपन क्या पढ़ते हैं? ज। ज के पीछे मैंने आ की मात्रा लगी तो क्या हो गया? ज। ज। फिर क्या आएगा? ज जैसा वाला। फिर देखो ये क्या है? ज से झंडा। इसके साथ आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? झ। झ। फिर ण। ये क्या है? ण। न के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ना। फिर देखो च से चम्मच वाली लाइन खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होती है?
द ध ड ड न, ये सारे क्या है, व्यंजन है ना। तो देखो अब ड के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, द क्या आ जाएगा, ता क्या आ जाएगा, ता। उसके बाद ध ख, ख के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा, ख से थटेरा। ध के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, था, क्या आ जाएगा, था। अब मेरे साथ बोलो, देखो द के पीछे अच्छी मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, द, क्या आ जाएगा, द। फिर ढ के पीछे अच्छी मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, बताओ अब क्या होगा, ढ के पीछे अच्छी मात्रा लगाने तो क्या होगा, ढ, ढ, ये क्या है, ढ ढक्कन वाला, तो क्या आ जाएगा, ढ। इसके बाद न के पीछे अच्छी मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, ण, क्या आ जाएगा, ण। अब देखो त थ ड ड न के बाद क्या आता है, त थ द ध न, तो यहाँ पे लिखू मैं त थ त थ त थ द सॉरी त थ द थ न, क्या आएगा, त थ द ध न। तो अब देखो त के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो मैं क्या आ जाएगा, ता, क्या होगा, ता। और फिर थ के पीछे आ की मात्रा लगाने पर क्या होगा, था, क्या होगा, था, था थर्मस वाला, थर से थर्मस। थ के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा, था। उसके बाद अपन द के पीछे द द द के पीछे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दा, क्या आ जाएगा, दा। हो गया ना, वैसे ही धा के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा, धा, क्या होगा, दा। सॉरी ये क्या हो गया, धा। न के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा, ना, क्या हो जाएगा, ना। अब देखो त थ द ध न के बाद क्या आता है, प फ ब ब म, प फ ब भ म, क्या आएगा, प फ ब ब म। तो अब देखो प के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, पा, क्या आ जाएगा, पा। देखो पा, अब फ के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा, फा, क्या होगा, फा। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, फा। फिर देखो ब के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, बा, क्या आ जाएगा, बा। और भ के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या होगा, भ के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हा। और म के पीछे आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मा, क्या आ जाएगा, मा। जैसे क के पीछे जोड़े तो क्या हो गया, का, ठीक वैसे ही म के पीछे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मा। फिर प प प प म के बाद क्या आता है, य ग ल व श, क्या आएगा, य र श। देखो य के पीछे अगर आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, या, क्या आ जाएगा, या। और र के पीछे आ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, रा, क्या आ जाएगा, रा। ठीक वैसे अगर ल के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा, ला, क्या आ जाएगा, ला। व के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा, वा, क्या आ जाएगा, वा। और श के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा, शा, क्या आ जाएगा, शा। ऐसे ही बाकी शब्द बाकी सारे करने, श के पीछे लगेगी तो शा, त्र के पीछे लगेगी तो त्रा, ज्ञ के पीछे लगेगी तो ज्ञा, ऐसे ही बाकी सारे। फिर देखो श श
अब देखो इस श के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या जाएगा शा, क्या आ जाएगा शा। फिर इस श के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा शा, क्या आ जाएगा शा। फिर ह के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या होगा ह के पीछे देखो ल के पीछे लगे तो क्या हो गया ल, श के पीछे लगे तो क्या हो गया श। ऐसे देखो ह के पीछे लगेगी तो क्या आ जाएगा हा, क्या आ जाएगा हा। तो देखो यहाँ पे हा, श के पीछे लगेगी तो क्या आ जाएगा शा, क्या आ जाएगा शा। त्र के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा त्रा, क्या आ जाएगा त्रा। वैसे ही अगर ग्यर के पीछे आ की मात्रा लगेगी तो क्या आ जाएगा ग्यार, क्या आ जाएगा ग्यार। ये आपकी क्या होगी आ की मात्रा कंप्लीट। आज अपन ने सिर्फ आ की मात्रा पढ़ी है, कल अपन पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। लेकिन अपन एक बार क्या करते हैं वापस इसको रिपीट करते हैं। देखो ये क्या है क, क्या है क, और ये क्या है आ की मात्रा, क्या है आ की मात्रा। जब अपन ने क के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया का, क्या हो गया का। ख के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया खा। ग के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया गा। घ के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया घा। ड के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया डा। च के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया चा। छ के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया छा। ज के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया जा। झ के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया झा। न के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया ना। त के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया टा। ख के साथ आ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया था। द के साथ आ की मात्रा जोड़ी क्या हो गया दा। ख के साथ द के साथ आ की मात्रा को जोड़ा तो क्या हो गया दा। न के साथ जोड़ी तो ना। त के साथ आ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया ता। ख के साथ जोड़ी तो था। द के साथ आ की मात्रा जोड़ी क्या हुआ दा। ध के साथ आ की मात्रा जोड़ी क्या हुआ धा। न के साथ आ की मात्रा जोड़ी क्या हुआ ना। प के साथ आ की मात्रा जोड़ी पा। फ के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर क्या हुआ फा। व के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर क्या हुआ बा। भ के साथ जोड़ने पर क्या हुआ भा। म के साथ आ की मात्रा जोड़ी तो मा। य के साथ जोड़ी तो या। र के साथ जोड़ने पर रा। ल के साथ जोड़ने पर ला। व के साथ जोड़ने पर वा। श के साथ जोड़ने पर शा। फिर देखो श श श। ह के साथ जोड़ने पर हा। श के साथ जोड़ने पर शा। त्र के साथ जोड़ने पर त्रा। और ग के साथ जोड़ने पर क्या हो गया या। ये क्या हो गया आपकी आ की मात्रा। देखो एक बार वापस पढ़ता है का खा गा गा डा चा छा जा जा ना ता था दा दा ना ता था दा धा ना पा पा बा बा मा या रा ला वा शा। ऐसे ही क्या है आ की मात्रा जोड़ने पर ये ऐसे पढ़े जाएंगे। पहले कैसे पढ़ते हैं क, क के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर क्या हो जाता है का। आपकी आ की मात्रा आज यहीं पे खत्म होती है। कल अपन पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। ये सारे आ की मात्रा के ऐसे शब्द आपको सॉरी ये सारे आ की मात्रा के ऐसे आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग से लिखना है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।